इसका एक्सपायरी डेट हो गया था, तो इसको रिटर्न कर देना है, क्योंकि भैया पैसा बड़ी बात होती है, पैसा बड़ी चीज होता है, ठीक है ना। बहुत ठंड है, अपना जान नहीं देख रही है, मार्केट जाने के लिए सोच नहीं, तो सेहू के लिए भी लेके आना ना। एक्चुअली में तो जरूरी है, इसी वजह से ये जा रहे हैं, नहीं तो मैं खुद भी इनको जाने नहीं देती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी का सीन ये है कि शिल्पा मेरे लिए बना रही है कॉफी, तो कॉफी पीते हैं। यहाँ पे वैसे चावल चढ़ा हुआ है, चावल लगभग बन ही चुका है, थोड़ी देर बाद मैं खाना खा लूंगा, इसीलिए मैं अभी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं कर रहा है ना। कॉफी, ये देखो शिल्पा को अभी कॉफी नहीं मिल रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ रखती हो ढूंढो। को याद नहीं, वो भी कहाँ रखे हैं, रबड़ तो लगाए हैं शायद, इसमें ही है ना। अब जाओ मम्मी को फोन करो, फोन करके पूछो मम्मी से कि कहाँ है कॉफी, मिल गया। मैं भी घर की बहू हूँ, ठीक है, आपको शक होगा लेकिन ये मेरा घर है आपसे ज्यादा। सो गाइस, कॉफी बनाने का ये अनोखा तरीका आप देख लीजिए। पहले दूध उबाल के कप में डाल दी और उसके बाद फिर शिल्पा डालेगी इसमें कॉफी और फिर उसको मिला के मेरे को दे देगी। अब पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, बस ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं तो ठीक है, उतना सही है। ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, मतलब दैट्स मींस अपनी सास से। ये रहा फाइनली आपका कॉफी। फाइनली मेरा कॉफी बन के रेडी हो गया है, मिला भी नहीं है कॉफी अच्छा से। देखो ये छाली है जी, हमको भी कॉफी चाहिए, कॉफी ठीक है, रहन दो, दूध नहीं है मिस्टी, दूध नहीं है, रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो, फिर ठंड हो जाएगा। और वैसे कॉफी का टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है, बुरा नहीं है कॉफी का टेस्ट। और इधर ये कल रात वाला पिट्ठा और चाय दबा रहा है, और बिस्किट भी लिया है ना। क्यों, पिट्ठा और चाय नहीं खा सकता था? हाँ जी दोस्तों, मैं तो फ्रेश व्रेश हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज की लगी है मेरे को। ये देखिए, मैंने मेरा खाना तो निकाल लिया है, एक रोटी, थोड़ा सा चावल और ये आलू गोभी का सब्जी, साथ में एक थोड़ा सा मिर्चा भी लिया है। दोस्तों इस वाले रूम में कोई भी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन लाइट जल रहा है, बस यही है हम लोग का घर में प्रॉब्लम। गाइज मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट, क्योंकि कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये सोया सॉस खरीद के लेके आया हुआ था और इसका एक्सपायरी डेट हो गया था, तो इसको रिटर्न कर देना है, क्योंकि भैया पैसा बड़ी बात होती है, पैसा बड़ी चीज होता है, ठीक है ना। बहुत ठंड है, अपना जान नहीं देख रही है, मार्केट जाने के लिए सोच नहीं, तो सेहू के लिए भी लेके आना ना। एक्चुअली में जरूरी है, इसी वजह से ये जा रहे हैं, नहीं तो मैं खुद भी इनको जाने नहीं देती। ऐसा है ना कि सेहू का पैंपर्स है नहीं और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी कल, श्योर नहीं है, हम लोग जा भी सकते हैं या फिर नहीं भी जा सकते, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कल हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे, तो अगर हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह जाएंगे, उतना सुबह को तो मेडिकल शॉप खुला नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो फिर सेहू को पैंपर्स में ही लेके जाना पड़ेगा ना यार, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, इसको चेंज भी कर दूंगा और पैंपर्स भी लेते हुए आऊंगा, और कुछ खाने पीने का होगा तो खा पी के आऊंगा, शिल्पा के लिए नहीं लेके आऊंगा। हाँ जानते हैं, ये मेरे दुष्टु पति है, आप लोगों को पता नहीं है, दुष्टु के भी दुष्टु है ये। गाइस सोया सॉस का पैकेट तो चेंज हो गया और उसके बदले में मैंने ये टोमेटो सॉस का पैकेट ले लिया है, तो चार पीसेट तो दिए दो, तीन पीसेट, दो पीसेट, दो पीसेट, अच्छा दो पीसेट को, तो दो पीसेट अठारह टका, तो दो पीसेट दिए दो, दो दिए दो, दो पैकेट ना, एक काज करो एक ही दिए दो। मुझे चाहिए था 8-9 पीस वाला जो आता है ना, वो वाला मेरे को चाहिए था, लेकिन ये भैया के पास तो है नहीं, तो मैं 2 पीस वाला ही फिलहाल के लिए इमरजेंसी के लिए ले लेता हूँ और कल फिर ले लूंगा, देखूंगा। भाई साहब अभी शादियों का मौसम चल रहा है और ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना, सारे के सारे मैरिज हॉल है लाइन बाई लाइन, तो सब मैरिज हॉल बुक है शादी के लिए। सो गाइस ध्यान से देखिए इस लड़की को,
दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, और यहाँ पे पूरा मंडली बना के रखी हुई है, सब कोई देख लो। गाइज अभी के टाइम हो रहे हैं 9:30, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि श्रीगु मेरे गोद में है, सोया हुआ है, जग जाएगा। कुछ पर्सनल इशू के वजह से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से मुझे अभी बाहर जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। सो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।